अच्छा छबड़िया नहीं क्यों तुम भी शोर मचा मचा के तंग हो गए हो। अरे शोर मचा दो शोर। अबे क्यों सलर पैसा देकर टिकट लेके यहाँ पे आया हूँ और तेरे कहने पे चिल्लाता रहूं पागल समझे क्या? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। अबे जिनको नहीं मालूम मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फैन फेस्ट की। आज है, अभी चल रहा है। मेरे को तो भूल गया था, मेरे को याद भी नहीं था। ये तो ट्विटर पे मंथन ने मेरे को टैग करा कि भाई देख देखे आज येलो डॉलर साइन होना चाहिए। मैं कहा काम तो करना ढंग का, भाई सब देखा नहीं जा रहा, म्यूट पे लगा रखा है मैंने कि कर क्या रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। क्या पहले तो एक प्रोजेक्टा खोली और वो मिस्टर नेक्स ओपनिंग करने, उसके बाद अभी तक नहीं आए हैं। मैं कब बेइज्जत करने के लिए बुलाया था तुमने उनको? यहाँ पे सेकंड परफॉर्मेंस के लिए कौन आया? अभिषेक। मैं यहाँ पे भी सेकंड? साले तेरा रिश्ता क्या सेकंड के साथ? सत्यनारायण की कथा करा ले भाई, तू हर जगह सेकंड आता है। गजब बेइज्जती है। और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं तीनों के बीच में, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं। एक बोल रहा दूसरा बात काट रहा और तीनों चिल्ला रहे चोर शोर मचा दो। अरे चोर थोड़ी हूं जो शोर मचाऊंगा मैं, चोर मचाए चोर। कुछ भी मेरे को तो जेन्युइनली समझ में नहीं आया इन तीनों को बुलाया क्या था, क्यों था और क्या करने के लिए बुलाया था? टी-शर्ट फेंकने के लिए? मैं का गाना गवा देते, अभिषेक का शो करवा देते, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पांडा आर्मी चल रहा था, पांडा गैंग पांडा गैंग कॉपी पांडा। भाई साहब उससे पहले आई थी राजा कुमारी परफॉर्मेंस देने के लिए। भाई साहब दिन चाहे पूजा सा प्यार हो जाएगा, तुमने ए पी ढिलन को ऐसी बदनाम कर दिया था। राजा कुमारी की परफॉर्मेंस देने लायक थी। अब भी तेरे को रैप करना था तो रैप करती ना, गाने वाले पार्ट में क्यों गा रही है? मतलब अगर किसी आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट हो रहा है और ऑडियंस आई है तो बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं, गाना गाते हैं उसके साथ में, एंजॉय करते हैं। साला पब्लिक का फोर्स दिखा रहे, पब्लिक है कल लो करते हो गए बड़े लोग। भाई साहब उसके गाने के उसकी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ वही एंजॉय कर रही थी, जनता बैठी पड़ी है क्या हो रहा है। इतनी इंग्लिश तो स्कूल में नहीं सीखी हमने जितनी ये सुना गई है। बात तो सही है। अभी जब राजा कुमारी परफॉर्मेंस दे रही थी ना, कमेंट सेक्शन देखने लायक था, सबके सर फट रहे थे, किसी को उल्टियां आ रही थी। मैं कहा ओपनिंग क्यों करवा रहे हो उससे? मैं नहीं बताऊंगा। और मेरे को जेन्युइन लग रहा था कि ट्रिगर्ड अभिषेक और मिथपैड को सबसे लास्ट में लाएंगे, क्योंकि फाइनल एक्ट ही ज्यादा सूट करता है उन पे, तीनों की हाइप अप सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू बाकी लोग। साला सेकंड परफॉर्मेंस करा दिया, टी-शर्ट फेंक रहे, शोर मचा दो। अरे नहीं मचाना यार, 15 मिनट के लिए बुला, 15 मिनट शोर ही मचवाएगा तू मेरे से? स्टेज पे काजू कतली खा रहे, अरे कितना ऑब्सेस है निश्चय, काजू कतली से कितना खाएगा मेरा भाई, डायबिटीज हो जाएगी, मत खा इतना। अबे साले। उसके बाद तीसरे नंबर पर था कौन आया? आवेश दरबार। अब तुम जानते हो आवेश दरबार को, जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं या क्या था वो टिकटॉक, उस पर नाचते हुए देखा होगा। तुम गेस कर लो आवेश दरबार फैन फेस्ट में करेगा क्या? नंगा नाच। नाचेगा वो तो ऑब्वियस है, नगमा। अबे तेरे को नाचते हुए देखना, तेरी रील्स देख लूंगा मैं यार, स्टेज पे जाके कुछ तो अलग कर लेता, इंटरेक्टिंग कर लेता, साले को माइक तक नहीं दिया है, नचा के भेज दिया नगमा के साथ, नगमा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और साला मेरे को तो समझ नहीं आया फैन फेस्ट क्यों कह रहे हैं, शॉर्ट प्रमोशन कहते थे। साला एक सेट होता है, फिर शॉर्ट्स, चैलेंजेस वीडियो, कुकिंग वीडियो। अरे नहीं देखना यार, मैं यूट्यूब पे बैठ के शॉर्ट नहीं देखता, तू मुझे जबरदस्ती क्यों दिखा रहा लाइव पे? मैं एक पल के लिए ना बैठ के सोचने लग गया, जब निश्चय और ये अभिषेक और मेरे पर चले गए, मैं कहा अब कितने देख रहे हैं? 28,000 लोग देख रहे हैं। मैं कहा कौन है ये 28,000? फिर मेरे को ऐसा हुआ मैं भी तो देख ही रहा हूँ ना, जिंदगी बर्बाद है मेरी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ तो अभी तक जितना हुआ उतना बता दिया मैंने, बाकी कल बात करेंगे इस बारे में। इसके अलावा क्या चल रहा है? इसके अलावा है एल्विश यादव। क्यों? Why are we still here? Why this cola very deep? अबे यार बिग बॉस खत्म हो गया, हो गया पता है ना सबको, अब नया सीजन शुरू होने वाला है, इनका ड्रामा खत्म नहीं होता। कल जासूस किंग वॉक कर रहा था, अब एल्विश यादव कह रहा है किसी ने पैसे दे के बैड पब्लिसिटी कराई है, बैड पीआर करवा रहे हैं, गालियां पड़वा रहे हैं। अब ये बोल दिया, नाम नहीं बताया, क्योंकि उसने बोल दिया मैं जानता भी हूँ कौन है, 25 लाख दिए। अब सबको लग रहा है अभिषेक ने करवाया, लोग अभिषेक के पास पहुंच गए, वो कह रहा है मैं 25 रुपये खर्चू ना, 25 लाख। अब ये हो गया, इसमें उसका दोस्त आ गया जासूस, जासूस किंग की नाम लेके बोल रहे ना दूसरे से फटती है गया, ये भी। मैं कहा तुमने एक काम करो, तीनों बैठो और करो जो करना है, मेरे को मत बताओ। साले एक तो लोग पागल है, तुम और बना रहे हो। और भाई साहब कोई नहीं
फुद्दू कट रहा किसी का, सिर्फ तुम्हारा कट रहा है जो इन चीजों में पढ़ के लड़ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ भाई, इसके बाद पक्का बता रहा हूँ मैं, पैसे शुरू हो जाएंगे, इनकी फैन वर्ड शुरू हो जाएगी, ये कर रहे वो कर रहे। अरे जाओ, जो जो, जो करना करो, मेरे से दूर रहो बस। अरे हद हो गई यार, मैं बोर हो गया हूँ बात कर करके इस बारे में, इसके बाद ओपिनियन भी चाहिए, फिर गुस्सा भी होना है। चलो इस पे कमेंट है, नाजायज औलाद आ गया फुकरा का। मैं कहा साले तू अभी खुद CLWL है, दूसरे की औलाद में बात कर रहा, जायज और नाजायज की बात कर रहा है। बहन क्या क्यों पढ़ा रहे इनको, काम पे लगा दो सालो। ये फालतू, मैं सच में जानना चाहता हूँ इनके हाथ में फोन देके इनके घर वाले क्या सोचते हैं, बेटा कर क्या रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है और जो अच्छी हुई है वो है टाइगर 3 का टीजर आ गया। टीजर भी क्या मैसेज करके लॉन्च किया है इन्होंने, जहाँ पे भाई साहब देखने में तो अच्छा लग रहा है, बेइज्जती भी नहीं कर सकते, मजे भी नहीं ले सकते। अबे कहानी काफी कंफ्यूजिंग है, अब देखना जब ट्रेलर आएगा ना तभी कुछ कह पाऊंगा मैं, क्योंकि पहले तो कह रहा कि गद्दार बना दिया, टाइगर को गद्दार बोल दिया। अब ये गद्दार बनने के बाद मैसेज दे रहा है इंडिया वालों को कि मेरे बेटे को बताएगा मेरा बाप गद्दार था, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक हारा नहीं। अब मर गया तो ट्राई कैसे करेगा कुछ भी। ट्रेलर अच्छा है, अब जब से ये ट्रेलर आया ना शाहरुख के पास पहुंच गए सब, अरे शाहरुख के 1000 करोड़ खतरे में। मैं कहा सल्लू भाई है वो, सलमान भाई, बकवास नीचे है, सलमान भाई के सब नीचे, ठीक है बकवास बंद। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। अब तो मुझे भी नहीं आइडिया कौन आया ही है, ये झाड़ू पोंछा कर रहे हैं स्टेज पे। अबे यार कोई भी आ रहा है, एक तो हर साल फैन फेस्ट का ये हिसाब पक्का ही होता है कि आधे बंदे तो जानू ही ना पहचाने ही ना, उनको दिखाएंगे। अरे उनको देखना हो तो यूट्यूब पे देख लेंगे यार, वो चेहरे लाओ ना जो जानते हैं देखते हैं सुना हुआ है, इनका तो चेहरा ही पहली बार देख रहा हूं मैं, क्या करूं मैं फैन फेस्ट वालों का। अबे इससे अच्छा तो स्टैंड अप कॉमेडियन को बुला लेते, वो भी तो यूट्यूब पे क्लिप डालते, कोई सेटिंग कर देते साले, लोग तो हंसते कम से कम, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ और इसके अलावा सबसे आखिरी चीज चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की हालत टाइट लग रही है मुझे भाई साहब। ये तो छोड़ो, ये तो कोई भी रिजल्ट तो पता ही अपने को कि इंडिया जीत चुका है सीरीज, नेपाल ने मंगोलियों को हरा दिया। पहले तो मुझे पता भी नहीं था मंगोलिया की टीम है, सच बता रहा हूँ मैं भाई साहब, 300 से ऊपर रन मारे हैं टी ट्वेंटी में मंगोलिया, पता ऑल आउट हो गया 40 पे, मैं 250 से ऊपर रन से हराया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फास्टेस्ट 50 का T20 में। मैं क्या कर रहे थे, ये गली क्रिकेट चल रही है या तुमने T20 को मजाक बना दिया। सर अगर तुम्हें 300 मारने थे तो इंडिया के सामने क्या हो गया था तुम्हें, है पाकिस्तान के टाइम में क्या हो गया था तुम्हें, मंगोलिया की बेइज्जती कर रहे हो तुम, गलत बात है नेपाल। मैं देखा स्कोर, मेरे को तो पता भी नहीं था नेपाल का मैच आज, मैं गूगल खोला देखने के लिए स्कोर, पहले मेरे को सबसे पहले इनका स्कोर देखा, मैं कहा ये और सरप्राइज हमारा T20 पे 300 देख के था। मैं कहा क्या चल रहा है, ODI में खेला नहीं जा रहा किसी टीम से, T20 में धोए जा रहे सबको, IPL आना है इन सबको, मैं बता रहा हूँ अगले साल तो IPL में देखेंगे नेपाल की टीम वाले। और फुद्दू न्यूज में करोना कबाब एक्स, ये साला मेरी एक्स से मेरा पीछा नहीं छूटता, ये एक्स क्यों आ रहा है, अबे कोई बीमारी आ गई फिर से, कह रहे ये डेडली एक्स्ट है। मैं कहा करोना के कितने वेरिएंट आए, तुमने हर बंदे को बोला कि ये वाला वेरिएंट ना उससे खतरनाक है, ये वाला उससे भी खतरनाक है, हमारी वैसी फटी पड़ी थी। अब कह रही ये जो एक्स है ना ये 50 मिलियन लोगों को मार देगा, मेरी फटी पड़ी है और कितना फाड़ोगे बे, फिर से मास्क नहीं पहनना मुझे, कहते हैं कहीं से भी जा सकता है, कोई इलाज नहीं इसका, मेरी फट चुकी है और मत फाड़ो, लाइक मारो और सोने जाओ, फैन फेस्ट मत देखो, पीस आउट।